सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जयपुर और पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए मेरे छोटे भाइयों का, छत्तीस कौम के मौजूद बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का कि आपने ऐतिहासिक रोड शो जयपुर की धरती पे किया और शांतिपूर्वक ढंग से आप करीब 8-10 किलोमीटर चलते हुए आए, किसी तरह की बाधा भी उत्पन्न नहीं की। और ये ध्यान हमें कल 29 तारीख को भी रखना है कि हमारी जितनी भी उपचार रैलियां हुई उनके अंदर कानून व्यवस्था हमें हमेशा मतलब अपने किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं किया, कानून व्यवस्था बनाए रखी। तो आज भी मैं मेरे भाइयों को एक तो इस बात का धन्यवाद दूंगा कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि रोड शो है और उसमें ही आप 1 लाख लोग पहुंचते वहां से लेते हैं। तो कल ये तो ट्रेलर था, पिक्चर कल बाकी है। अब आप लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे, मोटरसाइकिल वाले यूं निकल जाएंगे आगे से, बाकी गाड़ियां घुमा के किसी तरह का सिस्टम नहीं हो, आराम से अपने अपने घर जाएंगे और कल हम व्यवस्था परिवर्तन की हुंकार भरेंगे जयपुर की धरती से। ऐसा रैला होगा जो न तो हुआ और न किसी से होगा, क्योंकि 4 जो रैलियां पहले भी हुंकार रैलियां करी राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड अपने नाम है और जयपुर की रैली का रिकॉर्ड भी किसान के बेटों का नाम होगा। कल तेजाजी महाराज का जयकारा पूरे देश के अंदर गूंजेगा, पूरे देश की नजरें कल की रैली पे, और कांग्रेस तो इतनी डर गई कि टिकट अटैच में बंद कर ली कांग्रेस ने, बांटेंगे टिकट आप बताओ कि रैली के बाद। और मेरे भाइयों जो जोश और उत्साह पूरे राजस्थान के किसान के बेटों के अंदर है, उसे देख के लग रहा है वो दिन दूर नहीं जब सत्ता पे आपका कब्जा होगा। सत्ता मांगने से नहीं मिलती, सत्ता छीननी पड़ती है। जिस तरह भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई के अंदर अंग्रेजों को भगाया था, उसी तरह राजस्थान का नौजवान इस बार नई करवट लेगा और तीसरे मोर्चे की जो भ्रांति बनी हुई है तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता। इस बार हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। राजस्थान में कल हम नई पार्टी का ऐलान करेंगे, वो किसानों की पार्टी होगी और गठबंधन के लिए भी मैंने बीएसपी भारत वाहिनी सब पार्टियों को कहा है कि हम गठबंधन करके लड़े। उन्होंने नेताओं को आमंत्रित भी किया है कि 29 तारीख को मेरी रैली के अंदर आप पधारे, सबका स्वागत है। कांग्रेस और भाजपा को छोड़ के जो भी हमारा साथ देना चाहेगा सबका साथ लेंगे। और कल जो नागौर की धरती से चिंगारी उठी थी, आपका जोर देख के लग रहा है कि जयपुर के अंदर कल वो ज्वालामुखी बन जाएगी और जो आंधी नागौर से चली उस शिखर में तूफान बन गया था, कल राजधानी के अंदर सुनामी आएगी और उस सुनामी के अंदर गहलोत, वसुंधरा और पायलट का अता पता भी नहीं लगेगा, हवा में उड़ जाएंगे। मेरे भाइयों मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि पिछले 10 साल से विधानसभा के अंदर से मैं लड़ रहा था और उससे 10 साल राजस्थान की सड़कों पर लड़ा, फिर विश्वविद्यालय कॉलेज की राजनीति के अंदर किसान के बेटों की लड़ाई लड़ी और आपने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है इतनी बड़ी रैली होगी बिना साधन लगाए, सब लोग अपने अपने साधन लेके, बच्चे अपने स्तर पर, राजस्थान के किसान अपने स्तर पर, बस गाड़ियां करके राजधानी की ओर कूच करेंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, टोल नाकों पे किसी तरह पे आपको उलझना नहीं, आपस के अंदर टाइम नहीं खराब, समझे ना। पिछली बार बाड़मेर रैली के अंदर भी टोल वालों की पिटाई करती थी तुम लोगों ने, इसके बाद में हेमंत वगैरह करने में दिक्कत होती, परेशान होती। कोई ऐसा काम मत करना, उलझना मत, ऐसा हम भी बात करेंगे, प्रयास करेंगे और कोऑपरेट भी कर रहे हैं। टोल वाले अपने को कोऑपरेट करें, राजस्थान के अंदर अपने जो काफिले चलते हैं सबसे बड़े काफिले जो निकलते हैं, बाकी काफिले नेताओं के पास बचे नहीं, खुद की गाड़ी बची है। तो भाइयों कल इस देश को दिखाना है ऐसा झंझड़ा राजस्थान की धरती पर आना चाहिए जैसे कुंभ का मेला जयपुर के अंदर भराओ। जयपुर के अंदर ऐसी स्थिति हो चारों तरफ कि तिल रखना कोई भी जगह नहीं। मैं राजस्थान के धरती पुत्रों को, किसानों को आह्वान करता हूं कि जिन जिलों के अंदर मैं नहीं पहुंच पाया वहां सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने कल आह्वान किया था, लाइव आया था, आज फिर आह्वान कर रहा हूं, अपने अपने साधन संसाधन लेके 11 बजे बीटी रोड के उस स्टेडियम के अंदर आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर पधारे। इस रैली को ऐतिहासिक रैला बनाना है। वसुंधरा तो गई राजस्थान से, लेकिन पायलट और गहलोत का भी दिमाग ठीक करना है और असली धरती पुत्र को
राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर बिठाना है। हमने तो हमारे दरवाजे खुले रखे, गठबंधन के लिए तैयार है। बीएसपी वालों का भी स्वागत है, भाजपाइनी पार्टी वालों से बात हुई, और भी जो कोई बच्चे हैं उनसे अपनी बात कर लेंगे अभी। तो भाई समान विचारधारा के जितने भी दल है वो कल हमारी रैली के अंदर आए और वोट बटे नहीं। बीजेपी का तो सुपड़ा साफ करना ही करना है, लेकिन कांग्रेस का भी दिमाग ठीक करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश का सचिन पायलट अगर राजस्थान का सीएम बन गया, मेरे भाइयों मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप लोग बहुत सुख तकलीफ के अंदर पड़ जाओगे। मेरा तो जब मैं वसुंधरा के काबू में नहीं आया तो कोई मुख्यमंत्री बने मेरे लिए कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं फिर संघर्ष करता नहीं जाऊंगा क्या। आप अगर एक बार सत्ता के अंदर आ गए तो निश्चित रूप से इतना बड़ा भला हो जाएगा। बेरोजगारी राजस्थान से भाग जाएगी, अपराध राजस्थान से भाग जाएगा, हर खेत को सिंचाई का पानी में। रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटे सड़क पर निकलेगी और सुरक्षित महसूस करेगी, और जो दरिंदगी राजस्थान के अंदर ही छोटे बच्चों के साथ ये खत्म हो जाएगी। एक नए राजस्थान का निर्माण होगा। गहलोत वसुंधरा ने 20 साल के अंदर जमकर लूटा राजस्थान को। वसुंधरा ने जिस भ्रष्टाचार को पैदा किया, गहलोत ने पाड़ पोस के उसको बड़ा किया। एक ही थैली के कच्चे बट्टे, एक सांपनाथ है दूसरा नागनाथ है, दोनों को भगाना है और किसानों का राज राजस्थान के अंदर लाना। अब शांति से अपने अपने घर जाओगे और मुझे भी थोड़ा फ्री करोगे, मैं भी मंदिरों का दर्शन वगैरह करता हूं। कल के लिए तैयार हो जाऊं, नई ऊर्जा भर लूं अपने आप में, और आप भी सीधे सीधे सब लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्ण रहोगे। जय बोले भी तेजा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। बाकी बच्ची हुई जय है ना वो कल बोलेंगे रैली में। जय और बोलेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। समस्त जो राजस्थान के लोग आए शांतिपूर्वक रोड शो किया, पूरा सहयोग आपने किया और पूरा सहयोग हमारे प्रशासन के पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी पूरा सहयोग किया, इनको भी धन्यवाद। मीडिया के भाइयों को सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपने हमारा जबरदस्त सहयोग किया, क्योंकि अगर थर्ड फंड बनेगा तो मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका इसके अंदर रहेगी। इनके बिना थर्ड फंड राजस्थान में नहीं होगा। इनको भी आह्वान करता हूं कि हमारा सहयोग बनाए रखे। और कल जयपुर के रैली के बाद ये होना चाहिए कि हनुमान जी के समर्थकों ने तेजा जी के भक्तों ने शांतिपूर्वक इतना बड़ा रैला किया और कहीं सुई भी नहीं ली, कहीं पत्ता भी नहीं। ऐसा रैला करना है, कोई गड़बड़ मत कर लेना। मुझे बड़ा बहुत 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 आपको धन्यवाद। सब अपने अपने स्थान पर जाएंगे। धन्यवाद। जय पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। वॉलंटियर से मेरा विशेष